तो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कैसे हमने एंटर करना और कैसे परफॉर्म करना है। एग्जामिनर क्या उसकी पहली बात ये हो रहा, कूल गाय कूल रहो, माइंड से कूल रहो, ये कोई टेस्ट नहीं है। आप ये सोचो कि आप वहां पे जस्ट एक क्या कहने से कन्वर्सेशन करने जा रहे हो, टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि आयल्स का एक टेस्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बस ऐसे मान के चलो। आप डोर बड़ा इजी है, कई बार सिक्योरिटी गार्ड डोर ओपन कर देता है, कई बार आपको खुद करनी होती है। तो अगर आपको करनी है तो इजी आप डोर को ओपन कीजिए, स्टेप इन कीजिए। स्टेप इन करने से पहले एक बार एग्जामिनर की परमिशन लीजिए, मे आई गेट इन सर, मे आई गेट इन मैम, जो भी आपने क्वेश्चन करना है। उसके बाद अपने हैंड से डोर को क्लोज, पासपोर्ट आपका इस ऐसे प्लेस पे होना चाहिए पॉकेट में ताकि आप इजीली एक्सेसिबल हो, जिसके क्योंकि एग्जामिनर आपकी आईडी जरूर मांगेगा, पासपोर्ट आपकी आईडी है। तो उसके बाद आपको एग्जामिनर के विश करनी है अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे इस टाइम अराउंड 5:15 का टाइम है तो मैं तो गुड इवनिंग कहूंगा नेचुरली, विश उसी आप उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर को विश कीजिए गुड इवनिंग सर। और उसके बाद एग्जामिनर आपको सीट ऑफर करेगा, तब तक आप खड़े रहिए और जस्ट चेयर पे जाके विदाउट एनी एक्स्ट्रा साउंड, विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉइज, आप उसमें अपनी चेयर पे बैठ जाइए। जो अच्छा पोस्चर वो ये है कि आप स्ट्रेट बैठते हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट एग्जामिनर के साथ बना के रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी पोस्चर होना चाहिए, यहाँ इजी होना चाहिए बिल्कुल। आप जैसे नेक है आपकी, जब फेस है आपका, इवन इफ आपकी बैक है, लेग्स का जो लोअर पोर्शन है वो भी एक तरह का स्ट्रेट होना चाहिए। फोल्ड करना चाहते कर लो आप, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइट पेंसिल अगर कई लोग कहते हैं हैंड में होनी चाहिए, अगर आपको लगता है आई डोंट थिंक सो होए ना हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक खाली हाथ या वेकेंट हैंड बेटर होते हैं। और आप एग्जामिनर की तरफ आए तो नेचुरली वो आपको बैठने के बाद वो कहेगा कि कैन आई सी योर आईडी, आईडी इजी एक्सेसिबल मैंने आपको बताया था, पासपोर्ट इजी एक्सेसिबल होना चाहिए। तो बाकी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि हमने कैसे उसके आगे परफॉर्म करना है, कैसे अपना पासपोर्ट उसको देना है, वो सारी भी मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर्स।